चूड़े रोंग दोगे बस। गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सो कैसे हो आप लोग, समझ ना। तो आज कॉलेज मेरा छुट्टी है और मैं घर में हूँ, तो मैंने सोचा गार्डन घुमा दिया जाए आप लोगों से एक बार। ये देखो, ये हमारा गार्डन है, कैसा मस्त है देखो। और ये देखो, ये वाला है मैरिज हॉल। इतना पास में मैरिज हॉल होने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से कुछ खाना इधर नहीं आता है जब भी वहाँ पर प्रोग्राम होता है। क्या फ़ायदा इतने पास में मैरिज हॉल हो गया। मम्मी बुला रही हैं चाय के लिए, चलो चलते हैं वहाँ पे। और आज एक पर्सन आने वाला है, मतलब वो गेस्ट नहीं है, हमारे घर का ही लड़का है। तो कौन है मैं नहीं बताऊँगा, वो बेसिकली यहाँ पे रहता नहीं है, वो कोलकाता में रहता है अपने काम के सिलसिले में। तो उसको आने देते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलेंगे। इससे पहले एक बार मिला चुका हूँ, सुकू लगा है उनको लाने के लिए। और मैं अभी मस्त यहाँ पे चाय पी रहा हूँ और इंटरनेट कैफे में बैठा हूँ। ये भाई देखो, क्या पढ़ाई हो रहा था, ये सारे सुबोदा का काम है। मैं गाना चला था। तो गाइस, आज तो होली है, हैप्पी होली। देखो कौन आप लोगों को विश करेगा होली। अमिताभ जी भी आप लोगों को होली विश कर रहे हैं। ये देखो गाइस, बिग ब्रदर इज हियर और आके ही बाजार करने आ चुके हैं। के मोस्ट एवेटेड पर्सन आ चुका है और आते ही मुझे रंग लगा दिया ये देखो। और भर भर के रंग लेके आया है, हर्बल कलर ये देखो। और मुझे पता ही नहीं चला, आके ऐसे डाल दिया सर पे, मैं भी डालूंगा उसको। अभी ढूंढ रहा हूँ मैं, उधर गया है सबसे बातें करने के लिए, आने देते हैं उसको, उसके बाद डालेंगे पूरा रंग डालेंगे। एक ही के अंदर बहुत सारे हैं और लेकिन सारे हर्बल कलर है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलो अभी इससे खेला जाता है, तो खेलते हैं चलो। मैं अभी दो लेके आया हूँ, अभी अभी उनके ऊपर भी करा जाएगा। रुको, उन लोग आने देते हैं यहाँ पे बाहर, फिर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आने देते हैं फिर होगा। तो वैसे हम लोगों का होली खेलना हो चुका है, सब हर्बल कलर है लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा। तो कोई अभी बाहर जाएंगे तो कोई कलर लगाएगा भी नहीं। ये बढ़िया है, घूम के आते हैं। ये भैया, बड़े भैया जो है अर्णब जी, वो तो घर में है, उसको नहाना है इसीलिए वो रेडी भी नहीं था। तो हम लोग घूम के आते, वो अभी घर में है, बाद में आके उससे मिलेंगे, फिर नहाना भी है। और आज घर में पूजा है, मुझे पता नहीं था, अभी पता चला थोड़ी देर पहले। तो थोड़ी देर में आके मुझे भी नहाना है, सबको नहाना है, पूजा है ना इसीलिए। तो उधर सुपुदा घुमा रहा है बाइक, घुमाओ घुमाओ, चलो चलते हैं घूम के आते हैं। देखो कैसे मस्त नहा के यहाँ पे खड़ा हुआ है। हॉट एंड सावर सूप क्यों नहीं लाया, वो बोलो कलर से क्या होगा, हॉट एंड सावर सूप नहीं लाया। देखो हालत, देखो मेरा कैसा हालत है। अभी चलो नहा लेते हैं, थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाला है, मतलब सब आयोजन हो चुका है, अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले नहा लेते हैं, उसके बाद पूजा में जाएंगे। नहाना कंप्लीट हो चुका है और मैं बोल रहा था ना कि ये हर्बल कलर है, देखो पूरा उठ गया है, थोड़ा सा भी अभी नहीं लगा हुआ है। और बाहर पूजा भी स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे सारा चीज़। लेकिन कुछ बातें नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि पूजा के टाइम पुजारी को छोड़ के बाकी सारे मंत्रोच्चारण छोड़ के और कुछ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ पुजारी कर सकते हैं बात। चलो वहाँ चलते हैं, पूजा स्टार्ट हो गया है, मुझे साउंड भी आ रहा है। तो घर में जितने भी बड़े थे उन लोगों को अभी ला के प्रणाम कर लिया। अभी सर बाकी है, सर को थोड़ा सा लगाते हैं। देखो देखो भाग रहे, देखो 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 देखो, ठीक है चलिए और नहीं देंगे। अभी गाइस मैं छत पे आया हूँ और ये टीका जो देख रहे हो ये पूजा के बाद लगाया गया था। मैं तो वैसे होली खेलने के बाद धो लिया था मुँह और मैंने नहा भी लिया था, तो ये टीका पूजा के बाद लगाया गया है। और कपड़े में भी थोड़ा लगा है, मैंने देखा नहीं। तो चलो अभी यहाँ पे कपड़ा उठाने के लिए आया हूँ मैं, यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं, इसको उठा के नीचे लेके जाना है। और आज देखो कैसा गाना बज रहा है घर के आसपास में, मतलब होली होली ऐसा लग रहा है कि होली है, ऐसे गाना बज रहा है मस्त। और वेदर भी सही है, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, अभी टाइम है, अभी तो 5:50 टाइम होगा क्योंकि इस टाइम पर मतलब गर्मी का सीज़न आ रहा है धीरे धीरे, इसीलिए अभी 6:10 तक तो वेदर ऐसा ही रहता है, उसके बाद अंधेरा आता है। तो आज तो बड़े भैया आए हैं, मतलब बाहर जाएंगे शाम को, शाम को शायद इंटरनेट कैफे में ज़्यादा काम ना हो क्योंकि वो आए हैं, तो बाहर जाएंगे। वो जब भी आते हैं दोनों काम ज़रूर करते हैं, एक तो पहली बार
सुबह जब मतलब आते हैं जब सुबह को बाजार जाना, और दूसरी बात जो है वो है शाम को चाट खाने जाना। यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे शाम को चाट खाने जाते हैं। तो चलो अभी मैं ये कपड़े उठाता हूँ और नीचे चलता हूँ, फिर देखते हैं। वो तो अभी सो रहा है, कल रात को शायद सोए नहीं थे ज़्यादा, और सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ के आ गया इसीलिए शायद अभी सो रहे हैं। तो मैं देखता हूँ क्या होता है, फिर नीचे चलते हैं इंटरनेट कैफे। गाइस अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8, मतलब 7:50 टाइम हो गया है और इंटरनेट कैफे हम बंद कर चुके हैं। तो अभी बाहर जाएंगे, भैया सो रहा था तो वो भी उठ गए, तो उसको रेडी होने देते हैं फिर बाहर निकलेंगे। और आज घर आते आते थोड़ा सा टाइम हो जाएगा क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अंडा लाया है, तो थोड़ी देर इधर उधर घूमने में टाइम चला जाएगा। और फिर उसके बाद घर में आकर के मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना है। कल भी तो कॉलेज वैसे बंद है, और कल हमारे अंडाल में असली होली खेला जाएगा, तो कल तो घर से बाहर निकलना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रंग खेला जाएगा कल। तो आज के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करता हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोगों को जल्दी मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने एक बार दिया तभी तभी ले लिया उन्होंने, फिर अभी भाग रहे। रुकिए सर, देखो आज छोड़ेंगे नहीं मुझे। अरे ये देखो।